Hello friends, my name is Shivang Rajpal and you're watching Sneakers TV. Aaj we have come here to Bandra aur yahan par ek park hai jahan par log skating karte hain, chill karte hain, apni Sunday morning spend karte hain. Hum kya karne hain yahan par na, actually bahut cool log hum log ko dikh rahe hain. So what we'll do is hum unke paas jayenge aur unko cool cool sawal puchenge aur dekhte hain wo kaise jawab dete hain. We'll ask them about the sneaker culture aur agar unke koi sneakers hain jo favorite hain ya koi aise sneakers jo unko skating time mein pehenna pasand hai ya you know when they are in a park or something like that, what do they feel about it? So let's go, let's just talk to them and see what happens. Okay, let's go. Hi bro, what's your name? Faisal, what's your name? Shivang. Yeah, nice meeting you bro. So basically हमारा एक YouTube चैनल है जिसमें हम लोग ना स्नीकर्स जो होते हैं ना वो रिव्यू करते हैं, लोग जो स्नीकर हैं उनके पास जाते हैं, उनके कलेक्शन देखते हैं. तो सबसे पहले तो ये बता कि कोई स्नीकर तुझे ऐसा पसंद है, कोई पर्टिकुलर स्नीकर? स्नीकर्स में तो नाइकी, जॉर्डन. जॉर्डन पसंद है देखो? अरे सबसे पहले तो एयरफोर्स पसंद है, सबसे क्लासी, लाइक बेसिक अगर लेना है तो बेस्ट. बेस्ट. हाय, माय नेम इज शिवम. व्हाट्स योर नेम? आई एम विनीत. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर स्नीकर इन माइंड यू नो व्हिच यू लाइक, और एनी ब्रांड? सो यूजुअली आई लाइक वेयरिंग नाइकीज एंड अ कपल ऑफ प्यूमास, दे फिट माय लेग वेल. ओके, नाइस. आई ओन एन एयर जॉर्डन. ओह नाइस. एंड अगेन इट्स नॉट समथिंग आई फैंसी, इट्स जस्ट समथिंग आई हैव हर्ड ऑफ, सो आई लाइक टू, आई बॉट वन. या तो भाई नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विलियम है. ओके, तो मेरे को ये बताओ यार, कोई कोई स्नीकर या कोई शूज़ तुमको पसंद है? बिकॉज तुम्हें शू पहना है मुझे बहुत अच्छा लगे, मुझे तो बहुत सही लगे. कोई ऐसा शूज़ तुमको पसंद है? कोई ऐसा है जॉर्डन पसंद है? तो यही शूज़ बहुत पसंद है, जो नाइकी ब्लेजर है. हाँ, जो अभी भी आई थी. अच्छा, बहुत अच्छा, लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबिलिटी है. ड्यूरेबिलिटी है, यूज कर रहा हूँ कुछ 4-5 मंथ से. अच्छा अभी तक चल रहा, सही लग रहा है ना, कंफर्टेबल है ना. हाँ, तो स्केटबोर्ड करने के टाइम पे मजा आता है पहनने में. स्केट शूज ही है, प्रॉपर स्केट शूज होते हैं. ओके गाइस, सो वी हैव हियर अ वेरी यंग स्नीकर हेड. वी एक्चुअली हैड अ वर्ड विद हिज डैड और उसके डैड ने बताया कि यार ये मेरा पूरा जो इंस्टाग्राम है ना वो सिर्फ शूज और स्केटबोर्ड्स भरा हुआ है, बिकॉज दिस गाय इज एक्चुअली अ वेरी बिग स्नीकर हेड. सो वी विल गो एंड टॉक टू हिम. हाय, व्हाट्स योर नेम? वंश. सो आर यू अ फैन ऑफ स्नीकर्स? यू लाइक स्नीकर्स? या. व्हिच वन डू यू लाइक? द नाइकी एसबीज. एसबीज? व्हिच एसबी डू यू लाइक? एनी पर्टिकुलर एसबी डू यू लाइक? चंकी. ओह नाइस, जॉर्डन पसंद है. अच्छा स्नीकर्स, अगर मैं बोलूँ कि स्केटबोर्ड जब तू करने आता है उस टाइम पे अगर कोई स्नीकर पहनना हो जो तुझे को लगता है कि नहीं सबसे कूल स्केटबोर्ड करने के टाइम पे मेरे को ये पहनना है, विच वन? स्केटबोर्ड करने के लिए सबसे कूल तो लाइक नाइकी के एसबी वाले जो कैटेगरी है ना, वो लाइक एक्चुअल में स्केटबोर्डिंग के लिए ही है. ओके, टेल मी समथिंग अबाउट नाइकी जॉर्डन. डू यू लाइक जॉर्डन? या. विच वन इज योर फेवरेट? द नाइकी जॉर्डन वन. हाइज, लोज और मिड्स? हाइज. ओके, डू यू नो द प्राइसेस ऑफ इट? Yeah, it's around, it's like it ranges from really low to high. Okay. From 12,000 to approximately goes to lakhs. Okay. Achha, do you like the Travis Scott edition, the Mocha edition? Yeah. You like it? Okay, tell me one thing. So now when you come for skateboarding, which sneaker do you like to wear? Which shoes do you like to wear? Vans. Vans is very comfortable for that? Yeah. Or koi aur sneaker, no other sneaker do you like to wear? Converse or Vans. Okay. Does your dad like it when you which sneaker would you want as a gift from your dad? The SBs maybe. SBs? यहाँ पर हमारे पास एक sneaker है, mummy, yeah. SB Dunk. Do you know that? We'll show you. So this is our sneaker जिसको बोलते हैं Nike SB Dunk mummy. Do you know which sneaker is this one? Can you guess? I can guess because okay. I have a without looking at the insole. I have a slight bit of an idea. It looks like a special edition mummy Nike sneaker. Oh right? yeah. No. Okay. Not bad. not bad. So ye iska acha iska naam guess kar sakte ho? Ye Nike brand lag raha hai. Ha, wo to hai. वो तो बहुत बड़ा यहाँ पर शूज दिया हुआ है दोस्त. हाँ, तो शूज का तो नाम वैसे पता नहीं कुछ. Okay. दिखा तो नहीं है. अच्छा ठीक है, लेकिन ये पार्टी वेयर लग रहा है. पार्टी वेयर लग रहा है. हाँ, बेसिकली इसमें ग्लो इन द डार्क है, तो रात में तुम अगर तुम डार्क कोई पार्टी में जाते हो ब्लैक एकदम माहौल होता है, प्रॉपर रेडियम टाइप है. तो ये नाइकी एसबी डंक लो है. तो ये स्केटबोर्ड शू एक्चुअली, ये एसबी इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्केटबोर्ड. ये कैसा लग रहा है तुझे ये बता? ओपी स्टफ. गुड. नो, तो इसमें बेसिकली इट्स ग्लो इन द डार्क और इसमें जो लेसेस भी मिलती हैं, दैट्स गुड. वुड यू वेयर दिस व्हेन यू वांट टू स्केटबोर्ड और समथिंग? ये पार्टीज में पहनने के लिए बहुत सही लगता है. बट डिड यू लाइक इट? वुड यू प्रेफर दिस और वुड यू प्रेफर जॉर्डन? लाइक
आई एम अ स्केटर सो आई विल प्रेफर दिस वन बिकॉज जॉर्डन्स ना एवरी शू का क्या है स्केटबोर्डर्स का वो यहाँ से श्रेड होना स्टार्ट होते हैं मे बी लोगों के दो दो दिन में भी नाइकी एस बी के श्रेड होना स्टार्ट होते बिकॉज दे लाइक दिस ग्रिप टेप इज ना लाइक करेक्ट बहुत ज्यादा ही है लाइक आई विल प्रेफर दिस वन और लाइक मैं बहुत बार बाय भी कर सकता हूँ अगर मैं एस बी का कोई ले रहा हूँ तो लाइक बार बार ले सकता हूँ Tell me, ये कौन सा स्नीकर है? The mummies. Yeah. एक बार में उसको पता चल गया, देख रहे हो कितना knowledge है। तो ये इसका price क्या लगता है, कितना होगा? 5K. और मैं अगर बोलूं कि ये 1 लाख का है, तो तुम लोग तुमको मानोगे क्या इस बात को? 1 लाख का तो नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता है 1 लाख का? कितने का हो सकता है? Max to max कितना तुम दोगे? अगर मैं बोलूं कि strictly कितना दे सकते हो तुम max? कितना? 4000. Yeah. Okay. तो basically है 4000 ही बस उसमें आगे ना 4 के आगे जीरो एक एक्स्ट्रा 40,000 रुपीज का है इशू मतलब रीसेल में 40,000 का है वैसे ये मिल जाता है 10-15K का लेकिन रीसेल में ये 40,000 है okay. क्या लगता है वर्थ लगता है क्या लेना ये हाई पैसा था ये कलर देख के तो ऐसा अट्रैक्टिव लग रहा है लग रहा है ना हाँ. अच्छा कलर देख के क्या थीम क्या लग रहा है इसका नाम अगर तुमको देना होगा तो कोई नाम दोगे क्या इसको ये इससे तो जैसे इसमें ये सब दिया है इसे कार्टून इफेक्ट लग रहा है पीछे से जो आईज है ओके और इसका जो कलर है रेडियम कलर बहुत अट्रैक्टिव है बहुत अच्छा नाइस इसको बोलते हैं नाइकी एसबी डंग लो मम्मी इसका थीम है मम्मी ये मम्मी अच्छा लगा लेकिन कैसा है बहुत अच्छा है ना चलो ठीक है हाउ मच डू यू थिंक शुड इट बी फॉर सी दैट आई हैव नो आईडिया बिकॉज़ इट्स अ स्पेशल एडिशन आई एम गेसिंग लाइक 20k 20k लाइक या नॉट क्लोज बट या So basically this is iska price jo hai na it is around 12k but it comes in the resale price of 40k comes in the resale price of 40k 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 okay. but do you think is it worth like looking at the see I know the hype you know it creates but main bol raha hu ki iske color ko dekhkar and the look of it do you think it because it's glow in the dark so do you think it's worth it no I'd not say that but I like the glow in the dark so iska price ek bar guess karo bata kitna ho sakta hai tere sath price Dobi, just try. What do you think? About 35. Close. Like, about 35 taxes and all. Okay, what is the price of it? 17K. And the resale, what do you think the resale would be? Do you follow the resale market? Do you know ki kitna price hota hai iska? Nahin? But you know the retail price. Aur ye kab launch hua tha, do you know? Okay, but do you like it? Achha lagta hai. And the glow in the dark effect, do you like that? Yeah. Do you know which other sneakers जिसमें glow in the dark effect है? Apart from this, do you know any other sneaker? No. No? But do you like this one? Yeah. Okay, ठीक है. We'll do a giveaway soon. यार बहुत लोगों को इस sneaker पसंद आ रहा है. शायद देना पड़ेगा. I guess you are lucky to have Nike shoes. Exactly. But this gives you happiness.